So welcome my dear lovely brothers and sisters, my dear lovely friends, Tuti Lat Sanukumar welcome you all to all our very new YouTube Education Academy. So my dear friends, बहुत दिनों तक हम गायब रहे, बहुत दिनों तक हमने पढ़ाई नहीं की, बहुत दिनों तक हमने पढ़ाया नहीं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आती रहेंगी, ज़रूरत है बस अपने पढ़ाई को जारी रखने का। कुछ दिनों का ब्रेक सबके लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में भी आया, आपके लाइफ में भी आएगा, लेकिन ज़रूरत है फिर एक बार फिर से चीज़ों को स्टार्ट करने की। तो इन्हीं सब बला बला के साथ अब हम आने वाले हैं अपने आज के टॉपिक पर। ज़्यादा बकवास इधर उधर की बातें को छोड़ के डायरेक्ट टू द पॉइंट। टू डी पॉइंट ये है कि पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बहुत ही सुंदर सा टर्म एक्सीलरेशन का फील दिलाने की कोशिश की थी। एक्सीलरेशन के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि अगर एक्सीलरेशन एक्स मीटर पर सेकेंड या फिर एक्स ईयर 3, 4, 5, 6 जो भी आप मान सकते हैं, अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड है या फिर इसको आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो वेलोसिटी है, अगर एक्सीलरेशन एक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हर सेकेंड में, हर एक सेकेंड में हमारा जो स्पीड है वो एक्स मीटर पर सेकेंड से बढ़ने वाला है। यानी अगर एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी हर एक सेकेंड हमारे जो स्पीड है उसमें 5 मीटर पर सेकेंड का क्या आने वाला है, चेंज आने वाला है। हम लोगों ने आपको क्या बताया था, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। आपके स्पीड में कितना चेंज हुआ है पर यूनिट टाइम में, एक मिनट में, एक सेकंड में, एक आवर में, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कैसे हम निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अगर आपको चेंज निकालना है तो हमेशा आपको फाइनल क्वांटिटी, जैसे अभी मैं 50 kg का हूँ और अगर मेरा वेट 52 kg का हो जाता है और आपसे पूछा जाता है कि हमारे वेट में कितने का चेंज आया, तो आप क्या करेंगे, 52 यानी जो मेरा फाइनल वेट है उसमें से इनिशियल वेट यानी 50 को घटा देंगे। उसी प्रकार से अगर आपको चेंज इन वेलोसिटी लाना हो, तो आप फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। और फिर उसी बीच में मैंने आपको एक और भी बहुत छोटा सा नोटेशन बताया था कि जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है, उसको हम वी से डिनोट करते हैं, और जो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होता है इसको हम यू से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू से और फाइनल वेलोसिटी को वी से, जिससे हमारा जो फाइनल टर्म बना था, फॉर्मूला बना था, वो बना था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डिफरेंस इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। इसके साथ मैंने आपको बताया था हमारा जो एक्सीलरेशन है वो किस चीज़ में डिपेंड करता है, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और जो भी जैसे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और हमारा वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारा एक्सीलरेशन भी है वो भी एक क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आई होप सो कि आपको ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी तक आपको डाउट है तो आप हमारा पुराना लेक्चर जा करके किस चीज़ का, एक्सीलरेशन का जो फर्स्ट लेक्चर है, पिछला लेक्चर, वो देख सकते हैं। उसके अलावा अभी हम आपको एक चीज और कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं, व्हेन एक्सीलरेशन, व्हेन एक्सीलरेशन कैन बी जीरो। एक्सीलरेशन कब जीरो हो सकता है, तो सबसे पहले हमने तो आपको बताया a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। हमारा जो एक्सीलरेशन का टर्म है वो क्या है, वी माइनस यू बाई टी। तो हमें क्या लाना है कि एक्सीलरेशन जीरो हो, इसका मतलब वी माइनस यू बाई टी ही जीरो होना चाहिए। देखिएगा स्टूडेंट्स,
मेरा जो टॉपिक है वो है, आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किसी बॉडी का एक्सीलरेशन कब जीरो होने वाला है, किसी भी बॉडी का जो एक्सीलरेशन है वो कब जीरो होने वाला है। तो उस बॉडी का एक्सीलरेशन तभी जीरो होगा जब वी माइनस यू बाई टी जीरो हो जाएगा। अब देखिएगा, अब समझिएगा, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वी माइनस यू इज इक्वल टू जीरो, यानी वी इज इक्वल टू जीरो, v is equal to u। यानी अगर आप पांच फाइनल और इनिशियल, आपका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है वो अगर दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम होने का क्या मतलब है, अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहे हैं और बाद में भी आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही जाते जा रहे हैं, मतलब आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया और आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जाने के साथ चालू किए और आपके स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, आप 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही चले जा रहे हैं, यानी आपका जो इनिशियल वेलोसिटी था और आपका जो फाइनल वेलोसिटी था वो दोनों सेम हो गया। और अगर इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम हो गया तो आप ही बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, जीरो हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ वो जीरो हुआ, और चेंज इन वेलोसिटी जब जीरो हो जाएगा तो हमारा एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इफ बॉडी हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, मेरा मानकर क्या है, इफ बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, मार्कर थोड़ा फीका फीका, देन एक्सीलरेशन विल बी जीरो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, अब देखिएगा, इफ द वेलोसिटी कांस्टेंट होने का क्या मतलब है कि उसका ना ही डायरेक्शन चेंज होना चाहिए और ना ही उसका स्पीड चेंज होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले वेलोसिटी के लेक्चर्स में आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करने के लिए या तो आप स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या फिर उनके डायरेक्शन को चेंज कर दो। अगर स्पीड का डायरेक्शन भी चेंज हो गया तो उससे हमें ये पता चलता है कि उसका वेलोसिटी चेंज हो गया। लेकिन कह रहा है बॉडी हैज कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा एक्सीलरेशन क्या होता है, तभी हमारा एक्सीलरेशन जीरो होता है। तो ये तो थी हमारी पुरानी बातें। आई होप आपको यहाँ तक की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। गहरी सांस लो, काम डाउन रखो, बस जरूरत है डेली पढ़ने की। एक दिन में पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ने के साथ कॉन्सेप्ट बिल्ड करते रहो, डेली प्रैक्टिस करते रहो। अभी तो ये चैप्टर चालू हुआ है, आपका क्लास 9 चालू हुआ है, अभी बहुत चीज़ों पढ़ना बाकी है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इस टर्म को बताने से पहले मैं आपको दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एग्जाम्पल्स में और स्टोरीज में बहुत बिलीव करता है। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल देखिएगा, एक बॉडी है जो भी, उसका वेलोसिटी यहाँ है और नीचे उसका टाइम है, या फिर हम ऊपर टाइम लिख देते हैं, हमें ज़्यादा सही होगा, ऊपर हम टाइम लिखते हैं और नीचे हम उसका वेलोसिटी लिखते हैं। टाइम क्या हो रहा है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड लेट 5 सेकेंड, ओके 5 सेकेंड का हमने टाइम इंटरवल लिया। जब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है तो हम मानते हैं कि उसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी क्या है उसका, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टाइम में उसका हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, फिर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, आई थिंक आपने स्पीड बता देंगे, 25 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा, अब मैं आपको इसे क्या दिखाना चाहता हूँ, टाइम है हमारे पास 1 2 3 4 5,
वेलोसिटी जो फर्स्ट सेकंड में है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, फिर हम सेम ही डाटा लेने वाले, मीन सेम टाइप के डाटा लेने वाले हैं, दैट इज वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। टाइम फिर हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। लेकिन इस बार जो है वो हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, फिर हो रहा है 10 मीटर पर सेकेंड, फिर हो रहा है 12 मीटर पर सेकेंड, फिर हो रहा है 15 मीटर पर सेकेंड, और फिर हो रहा है 17 मीटर पर सेकेंड। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपको देखने के साथ, इन दोनों एग्जाम्पल्स को देखने के साथ कुछ इतना तो फील आया होगा कि जो पहला एग्जाम्पल है उसमें हर सेकेंड हमारा जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 2 है उसमें तो कभी 5 से बढ़ रहा है, कभी 2 से बढ़ रहा है, कभी 3 से बढ़ रहा है, कभी 2 से बढ़ रहा है। यानी हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 जो है उसमें जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म एक बराबर यूनिट से, एक बराबर वैल्यू से बढ़ते जा रहा है, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको पहले यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की कहानी कई बार सुना चुका है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मींस कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट, और नॉन यूनिफॉर्म मींस नॉन कांस्टेंट या फिर चेंजिंग या फिर वेरिएबल, बदलता हुआ एक्सीलरेशन। अब देखिएगा, अगर आप 1 से 2 सेकेंड में अगर एक्सीलरेशन निकाले, अगर आप 1 से 2 सेकेंड में गए, आपके वेलोसिटी में कितना का चेंज आया, 10-5 मीटर पर सेकेंड का, कितने देर में, 1 सेकेंड में। यानी यहाँ पर हमारा जो एक्सीलरेशन आने वाला है वो आने वाला है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद फिर अगर हम 2 से 3 सेकेंड में जाएंगे तो फिर हमारा जो एक्सीलरेशन का चेंज आने वाला है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आने वाला है। उसके बाद फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, उसके बाद फिर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इससे हम क्या बताना चाहते हैं कि हमारा जो वेलोसिटी है वो हर समय इक्वल अमाउंट से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इसमें है तो इसमें पहले एक्सीलरेशन आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। यानी एक अनइक्वल अमाउंट, एक अलग ही वेरिएशन में बढ़ रहा है। तो आई थिंक आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो, और अब मैं आपको इस एग्जांपल के मदद से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का डिफिनेशन एक बार लिख देता हूं। डिफिनेशन जो होने वाला है, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन if its velocity increases by equal amount, velocity increases by equal amount in equal time interval। मैंने आपको उस एग्जांपल से भी आपको समझाने की कोशिश की कि हमारा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे हमारा एक्सीलरेशन क्या होता था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ता जा रहा था। यानी एक इक्वल अमाउंट के साथ इक्वल टाइम इंटरवल में हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा था, बढ़ते जा रहा था। जबकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की डिफिनेशन आप खुद से भी अप लिख सकते हैं, non-uniform acceleration if its velocity increases by unequal amount in equal time interval तो equal होने वाला है, लेकिन उसका velocity जो increase होगा वो unequal amount से होगा, ठीक है। इसमें कुछ ग्राफ भी आते हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स मैं अभी आपको ग्राफ बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा। वो जो ग्राफ है वो हम पढ़ने वाले हैं अपने जब मेन ग्राफ का टॉपिक आएगा उस समय। अभी मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताना चाहूंगा, एग्जांपल ऑफ
यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड लिख देते हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है फ्री फॉलिंग बॉडी। फ्री फॉलिंग बॉडी, फ्री फॉलिंग बॉडी का क्या मतलब है, अगर आप अपने छत पे जाते हैं और छत के किनारे से अपने हाथ से एक बॉल को बस ऐसे छोड़ देते हैं, फ्री फॉल कर देते हैं, मींस ड्रॉप कर देते हैं, तो उसका जो मोशन होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन का होता है। यानी उसका जो स्पीड है वो समय के साथ इक्वल अमाउंट से बढ़ता जाता है। आप इस चीज को याद रखें, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है गिव अ एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के एग्जाम्पल में आप फ्री फॉलिंग बॉडी का एग्जाम्पल देने वाले हैं। सो मेरे प्यारे बहनों भाइयों मेरे दोस्तों, अभी तक हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का बहुत ही अच्छा सा ब्ला 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 समझ चुके हैं। आई होप आपको वो ब्ला 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 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अब टाइम है एक नेक्स्ट टर्म के बारे में जानने का, जो है रिटार्डेशन। एनर्जी हाई रखना है, एनर्जी लो नहीं करना है, हमें पढ़ना है अब रिटार्डेशन। ये एक नया सा कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड सा लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कुछ बड़ा सा टेक्निकल सा टर्म लग रहा है ना रिटार्डेशन। हम कुछ जैसे कुछ अच्छा सा पढ़ने वाले हैं रिटार्डेशन, कुछ एडवांस सा पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज़ को बताने के लिए मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, फिर एक कहानी बनाने वाला हूँ, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो कहानियों में ज़्यादा बिलीव करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो एक्सीलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चेंज इन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, हमारा एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ये तो हम सभी को मालूम चल गया। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्वांटिटी में जब चेंज निकालना हो तो हम अपने फाइनल रिजल्ट में से, अपने इनिशियल रिजल्ट को यानी फाइनल में से स्टार्टिंग को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरा वेट 50 kg है और फिर मेरा वेट 52 kg हो गया, तो मैं कहूँगा कि मेरा जो वेट है वो क्या हुआ है, 52 माइनस 50 यानी प्लस 2 kg का वेट मेरा बढ़ा है, मेरा 2 kg से वेट बढ़ा है। लेकिन अगर मैं 50 kg का हूँ और अगर मेरे वेट में कुछ चेंज आ रहा है, तो मैं तो 48 kg का भी हो सकता हूँ। यानी कॉन्सेप्ट बताने की बात है कि अगर वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी u हमारा 50 m/s है, अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी u 50 m/s है और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी 52 m/s हो सकता है, या फिर 48 m/s भी तो हो सकता है। यानी अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो जरूरी थोड़े है कि वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज ही कर रही है, वो तो कर रहा है बस चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना चाहिए। अब वो चेंज तो या तो बढ़ के आ सकता है, या फिर मीन 50 m/s आपका इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसको चेंज करना है, तो इसको चेंज करके हम 52 बढ़ा सकते हैं या फिर 48 घटा भी तो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा, गौर कीजिएगा, अभी तक हम सिर्फ स्पीड को बढ़ाने में, वेलोसिटी को बढ़ाने वाला एग्जांपल दे रहे थे। अब ये कॉन्सेप्ट, ये टर्म आया कि चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो चेंज का मतलब सिर्फ बढ़ना तो नहीं होता है, घट भी सकता है। अगर 50 m/s इनिशियल वेलोसिटी है और उसमें चेंज आया, तो वो चेंज आकर के सिर्फ बढ़ तो नहीं सकता है, घट भी सकता है। यानी ये दो कॉन्सेप्ट आया कि अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी 50 m/s है, तो वो अगर 52 m/s हो गया, 52 m/s हो गया, तो हमारा जो एक्सी, और माना कि टाइम जो लगा है वो दोनों में कितना लगा है, 2 seconds लगा है, 2 seconds का टाइम इंटरवल आया है, तो जो हमारा फर्स्ट केस आ रहा है जिसमें स्पीड बढ़ के 52 हो गया है,
फाइनल वेलोसिटी हमारा 52 है, उस केस में अगर हम एक्सीलरेशन निकालेंगे तो 52 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 2 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1 मीटर पर सेकंड का आया, 1 मीटर पर सेकंड एक्सीलरेशन आया। लेकिन अगर हम दूसरे केस की बात करें तो उसमें जो एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन चेंज निकालने के लिए हमेशा हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करते हैं। हमारा जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, 48 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसमें से अगर हम 50 को माइनस करते हैं डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि टाइम हमने 2 लिया है, तो ये कुछ आएगा माइनस 2 बाय 2 यानी माइनस 1 मीटर पर सेकंड, माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मतलब आया कि यहाँ जो एक्सीलरेशन आया वो एक निगेटिव एक्सीलरेशन आया, और इस निगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं, यानी रिटार्डेशन सब वही है, एक्सीलरेशन ही है, सिर्फ अगर एक्सीलरेशन निगेटिव आ जाता है तो उस निगेटिव एक्सीलरेशन को हम एक नया नाम रिटार्डेशन दे देते हैं। समझिएगा, मैं फिर से पूरी कॉन्सेप्ट बताने की आपको फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा सबसे पहले हमने देखा जो एक्सीलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी चेंज होगा तो हमारा एक्सीलरेशन आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हम जितने भी एग्जाम्पल्स देख रहे थे उसमें हम वेलोसिटी को चेंज करके हमेशा फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से इंक्रीज करते रहे थे, जैसा कि आप देख रहे होंगे 50 मीटर पर सेकंड था तो हम हमेशा ऐसा एग्जांपल लेते थे जिसमें फाइनल वेलोसिटी इंक्रीज हो जाता था। लेकिन एक ये भी तो मीन्स एक एस्पेक्ट हो सकता है, ये भी तो रूप हो सकता है कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो घट जाए। फाइनल वेलोसिटी जब घट जाएगा तो हमारा फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, उस केस में हमारा जो एक्सीलरेशन आएगा वो निगेटिव आएगा, और निगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर आप ये समझे कि अगर एक्सीलरेशन निगेटिव आ जाता है तो हम उसको रिटार्डेशन कहते हैं, निगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन जब आता है तब हमारा जो स्पीड है, हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या होता है, डिक्रीज करने लगता है, यानी एक्सीलरेशन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी जबकि रिटार्डेशन डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, तो आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी से समझ में आई होगी, आपको रिटार्डेशन का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ होगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिटार्डेशन क्या लिखते हैं, रिटार्डेशन के बारे में अगर हमें पूछे कि व्हाट इज रिटार्डेशन तो हम लिखेंगे रिटार्डेशन इज द निगेटिव वैल्यू ऑफ इफ एक्सीलरेशन इज निगेटिव इट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर एक्सीलरेशन निगेटिव हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एक्सीलरेशन मैंने आपको जो बताया, एक्सीलरेशन इंक्रीजेस द वेलोसिटी, एक्सीलरेशन क्या करता है, इंक्रीज कर देता है किस चीज को, वेलोसिटी को। यानी इसमें ये होता है कि हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होता है, वो ज्यादा होता है किस चीज के कंपेयर में, इनिशियल वेलोसिटी के कंपेयर में। सेकंड टर्म आता है हमारा रिटार्डेशन डिक्रीजेस दी वेलोसिटी। रिटार्डेशन क्या कहता है, वेलोसिटी को डिक्रीज कर देता है, यानी हमारा जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू इनिशियल
वेलोसिटीज है। इनिशियल वेलोसिटी से हमारा फाइनल वेलोसिटी कम होता है, बाकी इसके सारे फॉर्मूला सेम है। हमारा जो रिटार्डेशन होता है वो भी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है, सिर्फ इसमें ये दर है कि इसमें क्या होता है माइनस आ जाता है, निगेटिव। अगर एक्सीलरेशन, बस ये समझो, अगर एक्सीलरेशन निगेटिव आ जाए तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम रिटार्डेशन कहते हैं। अब एक और ये एग्जांपल देख लीजिए, आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। अगर हमारा इनिशियल, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और हमारा फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, जैसे आप 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहे हैं और अब आपका घर आ गया, तो आप ब्रेक दबाएंगे, ब्रेक दबाते 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 अपने घर पे अपना जो वेलोसिटी है वो क्या कर लेंगे, 0 कर देंगे। यानी इनिशियली आप 10 मीटर पर सेकेंड से तो आ रहे थे, लेकिन आपका घर आते आते घर पे तो रुकना होगा, तो वहां पर आते आते अब अपना वेलोसिटी 0 कर लेते हैं, और इस पूरे में जो टाइम लगता है वो लगता है 5 सेकंड। तो इस केस में जब आप एक्सीलरेशन निकालेंगे तो एक्सीलरेशन वी माइनस यू डिवाइडेड बाय टी, वी तो 0 है, यू अपना 10 मीटर पर सेकंड है और डिवाइडेड बाय 5 सेकंड। तो इस केस में माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आएगा माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस 2 मीटर पर सेकंड आया। तो अगर इस केस में अगर हमसे कोई पूछे एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी तो हम डायरेक्ट कहेंगे माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि रिटार्डेशन ऑफ बॉडी तो हम कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए रिटार्डेशन में हम निगेटिव साइन का यूज नहीं करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में लिखा हो कि रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्वेश्चन में उसका वैल्यू लिखते समय आप लिखिएगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, इसका क्या मतलब हुआ, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे, मींस ये पूरा एक ये दे दिया कि u is equal to इतना, v is equal to इतना, t is equal to इतना, acceleration of the body is minus 2 meter per second square, लेकिन अगर पूछे retardation of the body, तो retardation of body is 2 meter। मुझे याद आ रहा है मेरे टाइम में ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें हमें ऐसा ही एक डाटा देकर के रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी पूछ दिया था, तो हमें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना था, न कि माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि कब हम रिटार्डेशन लेते हैं और कब हम एक्सीलरेशन लेते हैं। सिर्फ ये समझिए कि अगर निगेटिव एक्सीलरेशन आ जाए तो उसको हम बस रिटार्डेशन कह देते हैं, बाकी सब फॉर्मूला जब हम डालते हैं अपना क्वेश्चन बनाते हैं तो हम एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड ही डालते हैं। और रिटार्डेशन का मतलब ये हो गया, अगर एक्सीलरेशन निगेटिव आ गया इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो स्पीड है, हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और अगर एक्सीलरेशन पॉजिटिव आ गया इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया हो। अब एक छोटा सा और टर्म है एवरेज वेलोसिटी, इसको मैं आपको ज्यादा, ये बस आप एक फॉर्मूला की तरह याद कर लेंगे। इफ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अगर बॉडी के पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी आता है वो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 होता है। यानी इफ द बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देन इट्स एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। यानी कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी प्लस यू डिवाइडेड बाय 2। ये एक छोटा सा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाय टी, बी प्लस यू बाई 2, इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम अपने यूनिफॉर्म
नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जो यूनिफॉर्म मोशन के तीन इक्वेशंस होने वाले हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से रिलेटेड जो तीन मोशन इक्वेशंस होने वाले हैं, उन इक्वेशंस की डेरिवेशन देखने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्सेप्ट होने वाला है आपके लिए, मेरे लिए। मैं भी अच्छे से पढ़ूंगा, आपको भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, और उस चीज़ का जो डेरिवेशन होता है वो हमारे एग्जाम में हमेशा एक ना एक डेरिवेशन पूछा जाता है। तो आई होप कि आपने आज के लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय किया होगा। मुझे भी बहुत दिनों के बाद बहुत मजा आया आप सभी के साथ इंटरेक्ट करके, इसी होप के साथ कि मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेहनत करेंगे, मैं भी सक्सेस हूँ, आप भी। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहे।